हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री के 16 से आगे वाले के क्वेश्चन। ठीक है, द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फोमिक एसिड। जो स्टिंग है एंट का, यहाँ से क्वेश्चन बन गया फोमिक एसिड इसमें होता है। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, ना कि इन बाकी चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिल्वर स्पून इज डिप्ड इनटू अ कप ऑफ आइसक्रीम। जब सिल्वर स्पून को आप डिप करोगे किसमें, आइसक्रीम में, ठीक है, कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अनदर एंड। तो उसका जो दूसरा एंड है वो क्या होगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ये याद रखना, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन वर्ड याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटाश अलम कैन बी प्रिपेयर बाय मिक्सिंग डैश इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन और है, K2SO4 NH4 ट्वाइस SO4। तो ये नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे, K2SO4 एंड Al2SO4 थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैटाइंस मूव टूवर्ड्स कैथोड विद स्पीड इंडिपेंडेंट द स्पीड ऑफ एनाइन। बस ये याद रखना, टूवर्ड्स कैथोड जाएंगे और स्पीड जो इंडिपेंडेंटली एनाइंस के साथ वो स्पीड पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, एरोसोल। तो इसका राइट आंसर होगा एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। देखो इस वीडियो को हम, इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका, आपके पास नाइलॉन रोप, ठीक है, क्योंकि बेकलाइट जो वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल स्विचेज भी इसी से बनते हैं, मेलेमाइन भी ये थर्मोसेटिंग में ही आता है, लेकिन जो नायलॉन रोप है वो इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ पर कह दिए मल्टी स्टेप की बात हो जाए और रिएक्शन रेट आपके पास, ओवरऑल रिएक्शन की बात हो तो स्लो स्टेप आ जाएंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल यूज इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी आर फाउंड इन, जो लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो एल्कली मेटल्स में आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोसेक्राइड यूनिट आर लिंक टू ईच अदर इन अ पॉलीएसराइड, ठीक है, यहाँ पर मोनोसेक्राइड है, यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच इन अ पॉलीएसराइड। तो ये कब होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी उस टाइम इस पर जो है वो ये लिंकेज करता है, ठीक है, ईच अदर इन, जो आपके पास ये ऑप्शन दी है और ये ऑप्शन दी हो तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैटेनाइजेशन कैपेबिलिटी, तो वो कार्बन होता है, ठीक है, याद रखना, हाईएस्ट हाईएस्ट कैटेनेशन कैपेबिलिटी तो वो है कार्बन। डिटर्जेंट्स आर प्रेफर्ड ओवर सोप बिकॉज, इसका हम जो आंसर है वो है, दे वर्क इवन इन हार्ड वाटर, क्योंकि काम जो है हार्ड वाटर में भी करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम आंसर लगा के आते हैं वो यहाँ पर मिसल फॉर्मेशन को लगा देते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर है। आपका जो राइट आंसर है, द वर्क इवन इन हार्ड वाटर, ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 picometer इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, ठीक है, द एटम्स 6C13, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर है, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर है, मास नंबर नाइट्रोजन का दिया, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आइसो बार्स, तो इसका राइट आंसर क्या है, आइसो बार। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और क्वेश्चंस आपको डेली के मिल रहे हैं तो उनको आप रिवाइज भी करो, नोट डाउन भी करो, तो आपकी आपकी जो नेक्स्ट टेट या सीटेट आएगा उसमें आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लिंक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।